हम लोगों को चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की इतनी हैबिट हो गई है, इस वजह से हमारे इंडिया में जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनता है हम उस पर ध्यान नहीं देते, उसे हम इग्नोर करते हैं। और कई सारे इंडियन आर्टिसियंस हैं जो मेहनत से एक एक प्रोडक्ट बनाते हैं हैंड क्राफ्टेड, उसी को हम इग्नोर कर देते हैं। हम लोगों को चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की इतनी हैबिट हो गई है, इस वजह से हमारे इंडिया में जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनता है हम उस पर ध्यान नहीं देते, उसे हम इग्नोर करते हैं। और कई सारे इंडियन आर्टिसियंस हैं जो मेहनत से एक एक प्रोडक्ट बनाते हैं हैंड क्राफ्टेड, उसी को हम इग्नोर कर देते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं रणबीर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। सो गाइस, बेसिकली आज जिस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स जो प्योरली मेक इन इंडिया है, प्लस एक्सक्लूसिव है, ओवरसीज मार्केट में उसकी काफ़ी सारी डिमांड है। क्यों? क्योंकि इंडिया में हम उसे ज़्यादा भाव नहीं देते, क्योंकि हमें तो चाइनीज़ प्रोडक्ट लेना ज़्यादा पसंद है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं। और जैसे ही आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आप जो भी खरीदते हो, आप उस कंट्री के जीडीपी बढ़ाने में हेल्प करते हो, इंडिया के नहीं। अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदते हो तो एटलीस्ट आप इस देश के जीडीपी बढ़ाने में भी हेल्प करोगे। प्लस जो आर्टिसियंस है जो एकदम गांव खेड़े में रहते हैं, वहाँ पर वो चीज़ बनाते हैं अपने लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, उनको भी आप थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये है एक लेदर का पर्स जो कि हैंड क्राफ्टेड है। और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, इस डिज़ाइन को कहते हैं एम्बॉस प्रिंट। और ये जो कलर आप देख रहे हो, ये प्योर नेचुरल कलर है, वेजिटेबल टैंड कलर जिसे हम कहते हैं, जिसमें वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह का जो कलर है उससे कलर जो है वो किया जाता है। और लेदर की अगर हम बात करें तो लेदर जो है ये प्योर गोट स्किन है, और किस किस प्रोडक्ट में बेबी गोट स्किन भी मिलता है जहाँ पर कोई भी मिलावट नहीं। और स्टिच वगैरह की हम बात करें तो ये आप देख सकते हो ये प्योरली जो है ये हैंडमेड है, आप देख सकते हो कोई भी मशीन का काम नहीं है। और डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो ये देखिए इसका डिज़ाइन तो कितना डिटेल्ड में काम किया गया है। मैं क्लोज करके आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देखिए कि कितना डिटेल्ड में ये काम किया गया है। ठीक है, अंदर की हम अगर बात करें तो हम अंदर देखते हैं कॉटन का जो है इनर्स वगैरह जो है वो कॉटन का दिया हुआ है, इनर जो लाइनर जिसे हम कहते हैं। ये आप देखिए कंपार्टमेंट काफ़ी अच्छा कंपार्टमेंट है, ये स्ट्रैप है इसका। ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इस प्रोडक्ट का कीमत रिटेल मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि चाइनीज़ प्रोडक्ट और हमारे इंडियन प्रोडक्ट जो कि हैंडमेड प्रोडक्ट है कितना डिफरेंसेस है। सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये एक और हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट है, और इसे कहते हैं हम बाटिक प्रिंट। ये आप देख सकते हो सेम चीज़ है, प्योर लेदर, और ये जो प्रिंट इसे बाटिक प्रिंट कहते हैं। कलर जो है वेजिटेबल टैंड कलर है, ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, और इसके साथ में ये जो आप इनर जो डिज़ाइन देख रहे हो ये काफ़ी डिटेल में किया जाता है। और पर्स की हम बात करें तो ये 14 इंच का पर्स है। बैक साइड अगर हम देखें तो आप पीछे देख सकते हो कि एक जिप लाइन है, प्लस एक स्ट्रैप है। और इनसाइड अगर हम खोल के देखते हैं तो
ये आप देख सकते हो कि इनसाइड जो है पूरा सिल्क सेटिंग की तरफ से बनाया हुआ है। ये है वो स्ट्रैप जो आप शोल्डर पे अटैच कर सकते हो। तो ओवरऑल मुझे इसका मेक काफ़ी अच्छा लगा और हैंडक्राफ्टेड है, डिटेल में बनाया हुआ चीज़ है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में ये देख सकते हो। तो मुझे काफ़ी अच्छा चीज़ लगा, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। सो गाइज, ये जो है ये एक हैंडबैग है जो जीन्स के मटेरियल पे बना हुआ है और इस डिज़ाइन को काता स्टिच कहते हैं। आप देख सकते हो काफ़ी डिटेल में इसे बनाया गया है और ये है इसका हैंडल जिसमें आप अपने हाथों में लेके के जो घूमते हैं। और इनसाइड हम देखें तो काफ़ी अच्छा कंपार्टमेंट है, इजी एंड स्लीक। तो मुझे तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा लगा, ये भी पूरा हैंडमेड है। तो आप देख लीजिए एक बार इसे भी। और इसी के साथ में जो गाइस ये वाला है ये भी सेम काथा स्टिच है पर ये पूरे कॉटन क्लोथ में दिया हुआ है और डिटेलिंग काम आप देख सकते हो इसके अंदर, ये एंटायर हैंड स्टिच किया हुआ है। सेम प्रोडक्ट है पर ये कॉटन के क्लोथ में है, ये आप देख लीजिए ज़रा। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। गाइस ये एक हैंड क्लच है छोटा सा, आप देख सकते हो काफ़ी डिटेल में काम किया गया है और ये हमारे जो कल्चर है उसे दर्शाता है। आप देख सकते हो कैसे फोक कल्चर इस पे है। बैक साइड हम देखें तो काफ़ी डिटेल में काम किया गया, आप देखिए ये जो ट्राइबल कल्चर जो ट्रेडिशन कल्चर जो है दिख रहा है। तो ओवरऑल तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इनर साइड की अगर हम बात करें तो इसे हम खोलते हैं, आप देखिए ये देखिए कॉटन का जो है अंदर का लाइनर दिया हुआ है। कंपार्टमेंट भी काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड स्लीक है, आप अपने सेलफोन भी रख सकते हो। और ये एक एम्बॉस प्रिंट जिसे हम ब्लॉक प्रिंट कहते हैं वो है, काफ़ी डिटेल्ड है, आप देखिए ज़रा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग भी एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार इसे ओपन करके देख लीजिए। ट्रस्ट मी गाइस, ये प्रोडक्ट सब एक्सक्लूसिव है, ये सिर्फ हमारे चैनल में ही हम दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ये है मोबाइल पाउच, ये जीन्स के ऊपर बनाया हुआ है और आप देखिए ये भी काथा स्टिच है, एकदम डिटेल में कारीगरी किया हुआ है, पूरा हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट है। आप देख सकते हो कितना डिटेल्ड है और ये जो झालर लगा हुआ है इनसाइड, अगर हम इसे ओपन करके देखें तो ये मुझे एक स्ट्रैप के साथ मिला है, इसके साथ एक स्ट्रैप है और अंदर आप कंपार्टमेंट में देखोगे तो सेलफोन कैश वगैरह छोटा सा रख के आप इसे शोल्डर में झुला कर घूम सकते हो। तो काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है। यह है एक छोटा सा 6 इंच का जिप पाउच स्ट्रैप, आप देख सकते हो सेम प्रोडक्ट है, बाटिक प्रिंट नेचुरल कलर्स और जिप लाइन खोल के देखते हैं अंदर। तो अंदर कंपार्टमेंट आप देख सकते हो, मैं प्रॉपरली से खोल देता हूँ और आप देखोगे कि काफ़ी सारे कंपार्टमेंट है, 1, 2, 3, 4 और ये भी सिल्क या सैटिन से बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है, पीछे भी एक जिप है जहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप रख सकते हो। ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, लेदर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और एक और कंपार्टमेंट है यहाँ पर भी आप अपना कार्ड्स वगैरह कुछ इमरजेंसी चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हो। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्लीक है, मुझे तो ये बहुत ही बढ़िया लगा। और गाइस ये जिप भी कितना प्रॉपरली खुल रहा है,
तो आप एक बार इसे देख लीजिए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इसी के साथ ही एक और प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये है एक 9 इंच का क्लच जो सेम बाटिक प्रिंट है। आप प्रिंट देखिए कितना यूनिक प्रिंट है, एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये जो भी प्रिंट हम दिखा रहे हैं ये पूरा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है और एक्सक्लूसिव हमारे चैनल में हम दिखा रहे हैं ताकि हम किसी की मदद कर सकें, इसलिए ही हम आज ये कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने इसे खोल दिया है, आप देख सकते हो इनसाइड काफ़ी अच्छा वेलवेट से बना हुआ इनर लाइन है, कंपार्टमेंट भी काफ़ी स्लीक एंड यूनिक है, जिप है अंदर और काफ़ी अच्छा स्पेस है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पर अपने कार्ड वगैरह आप रख सकते हो, सेलफोन वगैरह आप चाहो तो वहाँ पर रख सकते हो, जिप भी काफ़ी इजीली खुल रहा है। आप देखिए ओवरऑल प्रोडक्ट तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और प्योर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, तो आप एक बार इसे चेक कीजिए और ड्यूरेबल भी काफ़ी है। तो गाइस इफ़ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, और जो भी होलसेलर या रिटेलर काइंड ऑफ थिंग करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जो एक मेल आईडी है आप वहां पर मेल कीजिए तो आपका जो प्राइस कोटेशन है वहां पर आपको मिल जाएगा। गाइस अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदते हो, थोड़ा सा ये प्रोडक्ट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कॉस्टली है, बट प्रोडक्ट जो है वो एकदम एक्सक्लूसिव है। आपने देखा होगा जो मैंने आप लोगों को बताया, प्रोडक्ट एकदम जेन्युइन है, ड्यूरेबल है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी रिटेन करता है। और अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जो भी आर्टिसियन है जो एक गांव में बैठकर वो चीज़ बना रहा है, एटलीस्ट उसको फैमिली को थोड़ा हेल्प हो सकता है। काफ़ी सारे एनजीओज हैं जो ये प्रोडक्ट को लेके वो चला रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आप भी हेल्प कीजिए ताकि उनका जो भी है फैमिली अच्छे से चले, मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो भी प्रॉपर हमारे इंडिया में चलता रहे, हमारे जो इंडिया में जीडीपी जो है वो भी बढ़ता रहे, प्लस हमारे यहाँ के जो आर्टिसंस है उसे भी कमाने को मिलता रहे। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम एक और वीडियो में एक और मैसेज के थ्रू एक और प्रोडक्ट के थ्रू। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि उनको भी पता चले कि एग्जैक्टली हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है। और जो भी आज फर्स्ट टाइम विजिट कर लिया है और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आज आपको सब्सक्राइब तो करके ही जाना है, रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन है नीचे उसे आप दबा दीजिए, उसके पास ही में एक बेल आइकन है घंटे का निशान उसे भी आप बजा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो ऑन दैट नोट इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज ट्रेंडसेटर रणबीर।